वो ये मैटर नहीं करता कि आप भूखे पेट हैं या आपने खाना खाया हुआ है। सारी जज्बाती बातें, जब जंग होगी ना तो आपको कोई भी नजर नहीं आएगा, ठीक है? ठीक से काम, और उन्होंने मेहनत की, ठीक है, इंडिया वालों ने, ठीक है, वो हमारे साथ ही आजाद हुए थे। टीपू था ना, वो कहता था कि ना उसके मतलब टीपू सुल्तान, वो कहता था कि गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से शेर की 1 साल बेहतर है। मोहम्मद रसूलुल्लाह का जज्बा है ना, वो कोई कोई बंदा समझता है, वो बंदा नहीं समझता जो सिर्फ ये कहता है कि मैं जज्बाती हो रहा हूँ। दोस्तों, हर एक मदरसा छाप पाकिस्तानी बोलता है कि हमारे पास जज्बा बहुत है, हम खाली पेट भी हिंदुस्तान की आर्मी के दांत खट्टे कर सकते हैं, हमारे पास इतना जज्बा है, हमारे हाथ में बंदूक नहीं होंगी, हम डंडों से जो इंडियन आर्मी है उसके दांत खट्टे कर देंगे। लेकिन रियलिटी में जो 600 पाकिस्तानी आर्मी आए थे वो सुअरों की तरह भागते फिर रहे हैं और इंडियन आर्मी उनका शिकार कर रही है। खैर छोड़िए दोस्तों, पाकिस्तानी तो अपनी बड़ी बड़ी फेंकते रहते हैं, लेकिन मज़ा तो जब आता है जब दूसरा पाकिस्तानी जो उसमें थोड़ा बहुत दिमाग होता है वो जब इनके ऑन कैमरा इनके मुंह पर थूकता है, जब इनके मुंह पर इनकी बेइज्जती करता है, तब असली मज़ा आता है। और ऐसा ही कुछ हुआ आज की इस वीडियो में। आप लोग देखो कि जिस तरीके से एक मदरसा छाप जो पाकिस्तानी है वो बड़ी बड़ी डींगे हाँक रहा था कि हम खाली पेट जज्बे के साथ इंडिया से लड़ाई करने वाले हैं, हम कश्मीर लेने वाले हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ पर एक दूसरा पाकिस्तानी आता है जिसके पास थोड़ा सा दिमाग था, उसने ऐसी असलियत दिखाई ना कि भाई जो मदरसा छाप पाकिस्तानी था वो तो मुंह छुपा के भाग गया। तो ये बताओ कि कश्मीर की जो सूरत हाल है उसका जिम्मेदार कौन है 76 साल से? इसके जिम्मेदार हमारी हुकूमत ही है। अच्छा, नहीं हमें तो ये बताया जाता है जो कर रहा है इंडिया कर रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। नहीं, इंडिया नहीं करवा रहा, हमारी हुकूमत की भी कुछ जिम्मेदारी है, क्या नाम है, हमारी हुकूमत जो है ना जिम्मेदार नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि सबसे पहले मुझे बताएं कश्मीर के हवाले से जो 76 साल से आप सुनते के आए हैं, फिर उसके बाद मैं अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो आपको बताऊंगा और उसके ऊपर ओपिनियन लूंगा। 76 साल से हम क्या सुनते आ रहे हैं? इसकी मसला ये है कि जो इंडिया ना वो हमसे पहले से ज़्यादा स्ट्रांग है। अच्छा, और उनका जो बैकअप कर रहे हैं वो अमेरिका है और इसराइल है, और जो उनके जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, और उनको चाहिए कि थोड़ा सा हड़बड़ भी बरते हैं, और जो लोग हैं वहाँ मुसलमान हैं जो इंसानियत के तौर पर थोड़ा सा रहम करें, थोड़ा सा अपनी इंसानियत दिखाएँ, और अच्छा, हमको भी चाहिए एज अ आवाम और एज अ हमारे जो पॉलिटिक्स है उनको भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ करें, कुछ काम करें, कुछ वर्क करें। हम सब कुछ अल्लाह पे या सब कुछ लोगों पे नहीं छोड़ सकते। हम इतना कर सकते हैं कि हम उनके लिए मर सकते हैं, हम उनके लिए अपने सीने पे गोली खा सकते हैं। हमारे भाई हैं, वो मुसलमान है, कश्मीरियों के लिए, कश्मीरियों के। अच्छा, मुझे बताएं आपने गोली खा ली कश्मीरियों के लिए, उससे कश्मीरी को क्या फायदा होगा? उससे कश्मीरी को नहीं फायदा होगा, लेकिन हमारे दिल को तसल्ली हो जाएगी ना। अच्छा, कि हमने अपना एक दिया, हमने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, हमने उनके लिए कुछ किया। ये तो नहीं कर रहे, अब किसी को तो करना है ना। गोली खाएंगे तो मारेंगे भी, ये अच्छा, नहीं कि हम सिर्फ खाने जाएंगे। हम अगर एक मरेंगे ना तो हम पाकिस्तानी, हम दो को साथ लेके मरेंगे उनके। नहीं, लेकिन प्रूफ इजाजत नहीं देते। अच्छा, इनको ये फुल अलाउड नहीं करते कि आप जाके लड़ें। अच्छा, आप जाके ये फतह करें, ये जंग करें, ये ऐसा कुछ करें। ये इनके मफलूज होते हैं बेचारे, जिनको थोड़ा सा, इनको थोड़ा सा जो टारगेट दिया जाता है कुछ करें, इतना उतना वो कर लेते हैं, वो बैकअप आ जाए। ठीक है भाई, हमारा अमेरिका से आ रहे हैं, हमारे जो असल है वो कहाँ से आ रहा है ज्यादातर? वो बिल्कुल अमेरिका से आ रहा है, लेकिन वो मुनाफिक लोग है ना, हमें फायदा उठाते हैं। हमें भी तो चाइना फिर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है, चाइना हमारा दोस्त है ना। अच्छा, वो तो बिल्कुल हमें सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन अमेरिका जो है ना वो अपना मफाद उठाता है, चाइना अगर हमें सपोर्ट कर रहा है ना वो इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा, वो किसी और मुल्क को, जो हमारा मुखालिफ मुल्क है ना उनको कम सपोर्ट करता होगा, लेकिन कम करता है। हो सकता है कि हो जाएगी ये। अच्छा, अगर हो जाए तो बेहतर है, कम से कम जो उनकी सूरत हाल है, जो कश्मीरी हमारे भाई जो परेशान है इस मुश्किल हालात में है, कुछ ना कुछ तो हो जाए। आप कह रहे हैं 5वीं जंग स्टार्ट हो जाए, कोई इशू नहीं, बेहतर है आपके ख्याल से? भाई हम लोग, तुम और मैं, हम अपने घर में बहुत आराम से हैं, हम खाना खा रहे हैं, हम अपनी नींदें पूरी कर रहे हैं, हम सुकून से हैं। वो बहुत परेशान है। अच्छा, वो जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं कश्मीर वाले। अच्छा, हाँ, इससे अच्छा है तो हम भी चले जाएं, जंग हो जाए तो कम से कम उनका तो कुछ ना कुछ हो जाए। ठीक है, लेकिन ठीक है, इनकी बात सुन रहे थे? इन्होंने बोला 5वीं जंग भी हो जाए, ठीक है, एक दफा या हम रहे या वो रहे, बात है सर। बात बोला के ये सारी जज्बाती बातें, जब जंग होगी ना तो आपको कोई भी नजर नहीं आएगा, ठीक है? यहाँ पे आपको ये जितने भी अपराध नजर आ रहे हैं सब कहेंगे मैं जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। तो मेरा इनसे ये सवाल है, यहाँ पे जो भूखे लोग मरते हैं उनके लिए आपने क्या किया? आपके दिल में एहसास है? आपके दिल में एहसास है? मेरे दिल वाली बात की है, मेरा ये एक मैं आपको मौका जरूर दूंगा। देखें, ये गपशप है, हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों की तरह। मेरा भी यही सांस है कि हम जाके सबसे पहले कह देते हैं जी हमास में, वो उधर फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, मुझे बहुत दर्द है, मैं अपनी जान दे दूंगा। हम कहते हैं कश्मीर में जुल्म हो रहा है, मुझे बड़ी दर्द है, मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन साथ ही कोई बच्चा भूखा बैठा होता है, साथ ही कोई जो है अगर कोई बेरोजगार बैठा होता है, गुर्बत की वजह से, भूख प्यास की वजह से परेशान होता है, उसकी बात नहीं हम करते। हर बंदे का, मेरे भाई, हर बंदे का अपना जमीर है, अपना हर बंदे का अपना दिल है, अपना ईमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है ना, वो
वो कतन यहाँ नहीं रुकेगा। हमें अभी इजाजत दें, हम इस फलस्तीन जाएं, हम बताएंगे कि हम कौन है, हम मुसलमान है जिन्होंने लाल अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा ना, वो जज्बाती भी होते हैं और जज्बात में काम करके भी दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर अगर आपको इस बात का जवाब थोड़ा सा देंगे, लेकिन मुझे बताएं, आप लेट्स सपोज चले जाते हैं, कश्मीर चल जाते हैं, फलस्तीन चल जाते हैं, इसराइल की जो इस टाइम टेक्नोलॉजी है, क्योंकि देखें सिर्फ आप बात करें ना कि जज्बात है और जज्बात से लड़ना, इसराइल की टेक्नोलॉजी का सामना कर भाई, जब हमें इजाजत दी जाएगी ना कि आप जाएं, तो हमें ऐसे नहीं भेजा जाएगा कि आप अपने ये निकर शर्ट में चले जाएं तो आप कुछ करें। अगर हमें वो नहीं ना देंगे तो हम खुद यहाँ दुनिया में रहते हैं, हमें पता है, हम कुछ तो छुरियां कुहाड़ियां साथ लेके जाएंगे ना, कुछ ना कुछ, कम से कम अपने जमीर को तसल्ली हो जाएगी कि भाई हमने अपने भाई के लिए कुछ किया, हमने अपनी जान गुवाई। ठीक हो गया, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह का जज्बा है ना, वो कोई कोई बंदा समझता है, वो बंदा नहीं समझता जो सिर्फ ये कहता है कि मैं जज्बाती हो रहा हूँ। ठीक है, जज्बाती होना और क्या कहना चाहेंगे भाईजान? भाई जी ने बात की कि हमें जहाद का मौका दिया जाए तो हम फलां कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो मैं इन्हें ले चलता हूँ, मेरे साथ चले। ठीक है, मैं ले चलता हूँ, चले चले। किधर किधर जाएंगे, कैसे लेके जाएंगे? मेरे दोस्त से बाप है, ठीक है, वो रहते हैं वाली साइड पे ना, ठीक है ठीक है, तो वो उनके वालदैन उनके बड़े जात करने के लिए जाते हैं, जब अफगानिस्तान में जंग हो रही थी वो तब जात करने के लिए गए। अच्छा, जब आप ये सोच लेते हैं मैंने कुछ करना है तो आप निकल पड़ते हैं, फिर रास्ते खुलते चले जाते हैं। इस टाइम जिहाद तो हमें, अगर जिहाद का मतलब है ना बुराई के खिलाफ लड़ना, ये मतलब है ना, तो जिहाद तो हमें इधर गुर्बत के खिलाफ लड़ना चाहिए, जिहाद तो इधर जो पाकिस्तान में करप्शन हो रही है उसके खिलाफ करना चाहिए, जिहाद तो पाकिस्तान के जो करप्ट हमारे लीडर है उनको हमें समझाना चाहिए। ये हमारी जमात इस्लामी, आपको पता है इस टाइम प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन क्या आपको लगता है इससे कुछ फायदा होगा? जी होगा, लेकिन अच्छा। सिर्फ इनके निकलने से कुछ नहीं होगा, पब्लिक को निकला। जी बांग्लादेश के अंदर हर नौजवान हर स्टूडेंट निकला और उनकी हुकूमत जो है वो परेशान है कि यार ये कर क्या रहे। ठीक है, तो मुझे बताएं, मैं निकलूं, ये भाई निकले, ये सारे निकले, तो भाई इनको 100 दफा सोचना पड़ेगा। सबसे पहले हमें पाकिस्तान का सोचना है, मतलब इसमें कुछ लोगों को ये लगेगा की देखें जी फलस्तीन के मुसलमानों की बात ही नहीं हो रही, नहीं, लेकिन यहाँ फलस्तीन के भी भाई हैं, हम भी भाई हैं, सब मुसलमानों को साइड पे रखें, जहां भी इंसानियत के खिलाफ कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे अपने ये भाई का सोचना है, ये जो मेरे पास बैठा है वो गुर्बत से परेशान है। आप छोटी सी मेरी बात सर, आप भाई हम मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं, आप और मैं मिडिल क्लास है, ऐसे ही है, हमारी भी एक टाइम की रोटी कमाना मुश्किल है। बिल्कुल, ये जो जिम्मेदारी है ना, ये पॉलिटिक्स जिनको हमने वोट दिए हैं, ये उनको समझ आ रहा चाहिए, हम ये गुर्बत नहीं खत्म कर सकते, तू और मैं ये करप्शन खत्म नहीं कर सकते, हम भाई कर सकते हैं। जब जैसे आप कह रहे हो ना, मैं इसराइल के खिलाफ जिहाद कर दूंगा, मैं इंडिया के खिलाफ जिहाद कर दूंगा, ऐसे हमें हम अगर के ना जो यहाँ पे करप्शन करेगा मैं उसके खिलाफ बात करूंगा। उसके खिलाफ बात करूं, आजकल जो सिस्टम जो चल रहा है, मैं अभी यहाँ धरना दे देता हूँ, यहाँ 10-12 मंदिर इकट्ठे, और डाला आएगा हमें लेके चले जाएंगे, हम क्या करेंगे ना, बताएं ना, इधर पूरा सिस्टम चेंज करना है, नीचे से ऊपर तक चेंज करना, हम कैसे करें, हम यानी इधर उठाए जाने पे खतरा है, लेकिन कश्मीर जाके जो उनसे लड़ लेंगे। अब देखें इस टाइम फलस्तीन किस सिचुएशन से गुजर रहा है, ठीक है, सही है। अब देखें, ये सब तो कुरान में पहले फरमा दिया गया था कि इसराइल वालों को अल्लाह ताला ने पहले वॉर्न कर दिया था कि तुम 2 दफा फसाद बचाओगे और दूसरी दफा तुम खत्म कर दिए जाओगे। ठीक है, जो ये अभी हो रहा है ये होना था, लेकिन यहाँ पे ये देखा जाना चाहिए कि हम मुसलमान क्या कर रहे हैं, अरब कंट्री क्या करिए। देखें आप, नहीं मुसलमान अरब कंट्रीज को छोड़ें, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, इससे क्या यूनिटी है हमारे दरमियान? सर बिल्कुल भी यूनिटी, उसकी रीजन ये कि हम तफरकात में डले हुए हैं, हमारे अंदर इतने फिरके हैं, ये सुनी, मैं उसको मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। तो सबसे पहले भाई ने कहा था जिहाद, जिहाद ये की सबसे पहला जिहाद होता है अपने नफ्स से जिहाद, पहले ये है कि इसे जरा एक्सप्लेन करना, नफ्स से जिहाद। मैं इस चीज को बड़ा लाइक, मतलब इसमें ये है कि भाई आपके अंदर पर्सनली जो खामियां उसे पहले जी बिल्कुल बिल्कुल इंडिया वालों ने, ठीक है, वो हमारे साथ ही आजाद हुए थे, आईटी में कहां पे वो चले गए, ठीक है, उनके पास कितनी मतलब दौलत शोहरत, अब उनकी आप शादी देख लें, वो अंबानी साहब की शादी कर रहे हैं, तो आपके सामने क्या हमारे पाकिस्तान में कभी इस तरह की शादी हुई हुई गया। उनके पास इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अब हमारा नमक पाकिस्तान उधर इंडिया जाता है, अच्छा। इंडिया 70 रुपए का पता नहीं कितने का देते हैं, है। उधर से वो 450 का बैरी बेच, नमक किसका, हमारा, तो हम क्या बेच नहीं सकते, हम क्या बिजनेस नहीं कर सकते? नहीं, अगर वो आईटी में चले गए, अगर उनकी इकोनॉमी बेहतर हो गई, तो इसके अंदर हम क्यों नहीं, मतलब इधर क्यों नहीं हमने अपना जज्बा दिखाया कि यार ये देखो ये मेरा दुश्मन है, एक एग्जांपल है, अगर ये तरक्की कर रहा है तो मुझे भी करनी है, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी में। जो ये भाई ने बात की ना उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ, हमें लोगों ने फिरकों में बांट दिया, हम आपस में लड़ते हैं, कहते हैं कि मैं पीटीआई वाला हूँ, आप कहते हैं ये, मैं कहता हूँ मैं लूंगी वाला, वो हम कुछ करने के बजाय ना इधर खुद में उलझ चुके हैं। ये कश्मीर में नहीं है, अच्छा,
ये कश्मीरी के अलावा फलस्तीन देख रहे हैं, आपने लबनान दिया, आपने शाम दिया, आपने कितने ममालिक, सारे मुस्लिम कंट्री। अच्छा। और जैसा कि आप कह रहे जंग का हमारे कुरान पाक में भी है, हदीस में भी है, जहाद तो हम पे फर्ज किया गया। अच्छा। ना मुसलमान पे तो जहाद फर्ज किया गया, वो कश्मीर पे ही बात मैं लेके आता हूँ। वो अरब से लेके अरब ममालिक मोहम्मद बिन कासिम एक इधर आया था मुल्तान में सिर्फ किसके लिए, एक बेटी के लिए। ठीक है, सोचने वाली बात है। आप ये सोचे, मैं आपको एक चीज इमेजिन करके बताता हूँ जो मैंने अभी हाल में मतलब 14 अगस्त पे मैंने भी एज अ मोटिवेशन स्पीच करनी है, उधर मैं करनी, मैं आपको बताता हूँ। आप सोचे एक गोली लगती है, वो मेरी बहन होती है या आपकी बहन है या किसी और की बहन है या किसी और की बेटी है, एक गोली से अगर दो जाने जाए तो सोचे क्या होगा। उधर जब मेरी बहन होगी ना, या जिधर मेरी माँ होगी, या उधर मेरी कोई करीबी रिश्तेदार होगा, तो फिर मुझे दर्द होगा। ठीक है, वहाँ ये ऐसा ही हो रहा है। ये कश्मीर के अलावा भी बड़े कंट्री, फलस्तीन में, हर कंट्री में एक गोली से दो जाने ले लें, एक माँ को और एक बेटे को। ये चीज है लोग, हम यहाँ से मतलब अगर हम का मतलब अगर कोई ऐसा करता है जी कि भाई हम जिहाद के नाम पे या किसी भी चीज की हम कश्मीरियों को आजाद कराने जा रहे हैं और वहाँ पे जाके अटैक कर रहे हैं इस वजह से कि भाई इंडियन आर्मी को परेशान या नुकसान कर रहे हैं या ओवरऑल उनके लोगों को, बेकसूर लोगों को नुकसान, आपको लगता है कि वो एक लोगों की जान नहीं, वो कई लोगों की जो है वो, और नफरतें कितनी बढ़ जाएंगी इससे? बिल्कुल, नफरतें तो इससे बहुत बढ़ेंगी, रंजिशें बढ़ती हैं आज चीज़ में। शायद इंडिया पाकिस्तान की रंजिश की वजह ही है। लेकिन बात आप प्रॉपर मेरी पहले प्रॉपर बात होने से अगला क्वेश्चन आप क्या करें, मेरा मतलब कहने का मतलब ये कि जब तक हम आगे निकलेंगे नहीं ना, जब तक आगे निकलेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं। तलवारें बेचकर खरीदा था मुसल्ला। अच्छा। इसने लुटती रही, हम दुआ करते रहे। अच्छा। दुआ से कुछ नहीं होना, जब तक हम अपना किरदार पेश ना करेंगे तो पाकिस्तान फलस्तीन आजाद नहीं होगा, फलस्तीन आजाद नहीं होगा, कश्मीर आजाद नहीं होगा। बहुत से ऐसे और ममालिक 206 मुल्कों में मुस्लिम जो ममालिक 160 है, उनमें से कोई एक भी निकला है? हम इधर बैठे हैं जहाद के लिए, अभी हाल में मुहर्रम गुजरे हैं, शायद मुहर्रम के दिन भी होंगे, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसके लिए निकले थे? जहाद के, इंसानियत के लिए, जंग के लिए थे। उनका तो वो तख्त के लिए है, वो यजीद के सामने लड़ना था। आगे आज के दौर में कितने यजीद हैं? जो 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 लोग बैठे उनके लिए कोई निकल ही नहीं रहा। हम इधर आएंगे बस मैं बातें करके चला जाऊंगा, बातें नहीं करनी होती, हमने अपने किरदार को पेश करना होता है। दो चीजें हैं ना, एक होता है कि मैं सामने वाले को कह दूंगा, मेरी बात को समझिएगा मैं, और देखने वाले भी अगर मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पाए, अगर मैं सामने वाले को क्लियरली कह दूं कि मेरी और आपकी जंग है, ठीक है, वो क्लियर कर दिया, फिर वो भी अलर्ट हो, वो भी कोई करे कुछ एक्शन करे, हम कुछ रिएक्शन करें, कुछ हम एक्शन करें, वो रिएक्शन करें, समझ आता है। हम एक साइड पे करें सीज फायर कर दें, मतलब ठीक है कि भाई जंग नहीं होगी, कोई एक दूसरे पे अटैक नहीं करेगा, और फिर कोई अगर कोई यहाँ से या वहाँ से चोरी चोरी या कोई पीछे पीठ पे वार करे, अटैक करे, कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से करे या वहाँ से, तो आपको नहीं लगता वो गलत बात है? अगर हाँ, ये तो बिल्कुल, ये तो गलत बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये तो मुनाफ़त नहीं हो जाएगी, मुनाफ़त के ये जिम्मे में नहीं आता, ये बिल्कुल मुनाफ़त है। मैं आपको कहूँ की मैं आपके साथ हूँ और फिर मैं पीठ पीठ जाकर मैं आपको खंजर कपूँ, ये तो सबसे मुनाफ़त है, और ये काफिर से मुनाफ़त का जो दर्जा है ना वो निचला है। ठीक है, तो इंडिया वालों का यही तो गुस्सा और शिकवा और गिला है कि भाई एक साइड पे आपने सीज फायर किया है कि भाई बॉर्डर पे कोई फायरिंग नहीं होगी, कोई जंग नहीं होगी, ठीक है, एलओसी पे कुछ ऐसा नहीं होगा, दूसरी साइड पे कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी टेररिस्ट जैसे मतलब कोई भी आता है और ये ऐसे अटैक कर देता है, तो ये तो समझ लें ये गद्दारी है। ये वो आप हमारी बात करें कि हमारे लोग ये करते हैं, अगर वो जाहिर बात है वो लोग ये स्टांस रखते हैं, वो आपकी बात बजाय, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना उनपे जो जुल्म हो रहा है वो हम नहीं देख रहे, उनकी यार जिंदा बेटों के, एक माँ का अगर जवान बेटा, एक माँ का जवान बेटा अगर शहीद हो जाए तो माँ उसका शोक नहीं मनाएगी, माँ को उसका दुख नहीं, एक बेटा का जवान, एक बाप का जवान बेटा बुढ़ापे में पहुंचता है और बेटा शहीद हो जाता है, ये क्या बात होती है? ठीक है, उनमें भी दर्द होता है, और फिर वो देखिए वो लड़ते नहीं है, वो के हक के लिए खड़े हैं, और हक के लिए हर बंदे को खड़ा होना पड़ता है। ठीक है, वो अपनी क्या कहते हैं जंग का, वो कहते हैं कि यार मैं, हमने मरना ही है ना, वैसे क्यों ना हम आगे शहादत की मौत मर जाएं। ठीक है, ये बेहतरी लास्ट में मुझे बताते हैं, मेडिकल के स्टूडेंट है, एजुकेटेड है, मुझे बताते हैं जंग किसी मसले का हल है आपके ख्याल से? अगर दुनिया का कोई भी मसला जो जंग से हल होता हो, देखें सबसे पहले ना अगर आप कहेंगे ना टेबल टॉक उस पे बात करेंगे ना, वो बात आपकी मानी नहीं जानी, मेरा ये ख्याल है, क्योंकि इस्लाम की जितनी भी हिस्ट्री देखी गई ना, वो टीपू था ना, वो कहता था कि ना उसके मतलब टीपू सुल्तान, वो कहता था कि गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से शेर के 1 साल बेहतर है। अच्छा, ठीक है ना, ठीक है। और एक शेर भी था, वो मुझे मतलब मैं भूल चुका हूँ, लेकिन वो बहुत आला शेर था कि मतलब उसका मफहूम मैं आपको बता देता हूँ, उसका मफहूम ये है कि अगर हम ना, अगर हम
जहाद के लिए ना निकलेंगे, ठीक है, अगर हम किसी गैर के सामने अपना सर झुकाएंगे ना तो हमारा सर कलम ही होना है, ठीक है। वैसे सर झुकाने की बात नहीं मैं कर रहा, मैं टेबल टॉक हाँ टेबल टॉक अगर वो जंग के बाद टेबल टॉक होगी ना तो मैं कहता हूँ जंग के बाद जहाद के बाद जो टेबल टॉक होगी वो बेहतर होगी। लेकिन चार दफा पहले इंडिया से जंगे कर ली, फिर आपके सामने जो रिजल्ट आया चाहे कारगिल की वार आई है वो, तो फिर वो नुकसान किसको हुआ? वो नुकसान दोनों मुल्कों को हुआ है, पाकिस्तान को हुआ है, मानता हूँ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, उनके 36 सूबे हैं, उनकी जो मतलब पॉपुलेशन उनकी ज्यादा ज्यादा है, ठीक है। लेकिन आप देखिए, लेकिन हमारे मुसलमानों में बड़ी है हमारी, लेकिन हमारे मुसलमानों में जो इस्लाम ने दिया है ना, इस्लाम ने जो जात का दर्ज दिया, हमारे में ईमान, उनमें ईमान नहीं है ना। अच्छा, हम बगैर अगर ईमान की भी बात करें ना, मतलब थोड़ी लॉजिकल बात कर रहा हूँ मैं, आप मेरी बात से एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। इधर कितने टोटल आबादी है पाकिस्तान की? पाकिस्तान में तकरीबन 22 करोड़ था, ठीक है, 22 करोड़ 24 करोड़। उधर इंडिया में कितने मुसलमान है? उनमें तो उनमें तकरीबन 30 करोड़ के करीब मुसलमान, 25-30 करोड़, बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब ईमान तो इंडिया में ज्यादा हुआ, बिल्कुल ईमान ज्यादा हुआ। तो फिर आपने बोला ईमान वाले जीत होगी, लेकिन तो जीत किसकी हो? मेरी बात सुने ना, तो क्या आप ये कहते हैं जो उधर मुसलमान लोग रह रहे हैं, आपकी बात बजाय, लेकिन उनको इधर हमारे मुल्क में नहीं, वो हिंदू मतलब के जितने भी वेस्ट इंडीज रह रहे हैं, क्रिश्चियन रह रहे हैं, उसके बाद देवबंदी रह रहे हैं, उसके बाद वेस्ट इंडीज के लोग आते हैं, चाइनीज लोग आते हैं, क्या वो नहीं रह रहे? अच्छा। सिख नहीं रह रहे, सारे मजहब के लोग, जैसे हम उनको दे सकते हैं ना मतलब के प्रोटेक्ट, वैसे उनको भी मिलता होता है। ये हर जैसे हमारे हमारे मुल्क में ये रूल आ गया कि जो गैर मजहब उनको हम तफज देते हैं, वो भी तफज दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो ये तफज ना देंगे उनके अपने मुल्क में इंतशार फैल जाएगा। सो गाइस, ये पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन थे। अगर आपको इसको लेकर भी कुछ भी कहना है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हो सके तो वीडियो को शेयर भी करें। चलिए हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।